गीता 16 अध्याय श्लोक नंबर 4 आसुरी गुणों का वर्णन। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमाश्रयम्। दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। दम्भ दम्भ मतलब समत्याप्त दाम्भिक होना, दर्प घमंड होना, अभिमान अपना अभिमानी, गर्व क्रोध निष्ठुरता अज्ञान, ये सब आसुरी गुण है। संक्षिप्त में बताया इसके ऊपर आगे डिटेल में चर्चा होगी। अभिजात से शब्द आया, अभिजात से मतलब जो जन्म लिया है असुर योनि में व असुर प्रकृति में जिसका जन्म हुआ है उसके गुण है। मतलब जन्म के पहले ही ठीक हो जाता है कि ये जो असुरिक सोल होता है उसको जन्म के पहले ही ठीक हो जाए कि असुर बनने वाला है, तो वैसे ही जगह उसका जन्म होता है और जन्म से उसके अंदर ये सब दुर्गुण रहते हैं। दैव संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरेवता महासुचा संपद देविम अभिजातोषि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इस श्लोक में दो शब्द आया, देवी संपद और आसुरी संपद। अब संपद संपद संपत्ति को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी वर्ड इंग्लिश में फिर ये दूसरी जगह यूज होता है कि कोई चीज का प्रॉपर्टी क्या है। एक पत्थर है, पत्थर का प्रॉपर्टी क्या है, पानी का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब उसका कंस्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या तत्व है, तो उसको प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में, मतलब साइंस में प्रॉपर्टी मतलब उसका स्वभाव। तो अगर ऐसे देखेंगे तो जो देवी देवी लोगों का प्रॉपर्टी इनहेरेंट क्वालिटीज को प्रॉपर्टी यहाँ कहा जाए, तो देवी देवी मतलब देवता, देवता जैसे लोग हैं उनका इनहेरेंट क्वालिटी है, उनका जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा है उसको मोक्ष दिलाने वाला है, मोक्ष आए। और आसुरी लोगों का जो प्रॉपर्टी है उनका जो इनहेरेंट क्वालिटी को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। आसुरी लोगों का जो प्रॉपर्टी है, संपद वर्ड आया इसमें इसलिए प्रॉपर्टी वर्ड यूज करें लोग, तो आसुरी लोगों का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बांधने वाला है, बंधन करने वाला है। तो ये जन्म से ही ठीक हो जाता है कि कोई व्यक्ति आसुरी गुणों में जन्म लेते, कोई लोग देवी में गुण लेते। जैसे हमने सुना है कि कुंडली में भी वो गिनते हैं कितने राक्षस और देवगण होते हैं, कुछ हमने सुना है। इसके ऊपर हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन हमने सुना है कि शादी के पहले कुंडली को मैच करते हैं और उसमें देखते हैं कि देवगण कितने, असुर गण कितने, राक्षस गण कितने हैं। तो ये मुझे इतना नॉलेज नहीं लेकिन मुझे पहले जानता नहीं था, अभी भी मुझे पता चला है सब। तो मुझे लगता है शायद इसी के ऊपर बेस करके कुछ हुआ होगा, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होता होगा कि जन्म से फिक्स हो जाता है कि इसके अंदर कितने दैवी गुण है कितने राक्षसी गुण है। तो जो दैवी गुण में जन्म ले लेते हैं वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आसुरी गुण में जन्म लेंगे वो बंधन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन चेंज हो सकता है, देवी गुण वाला आगे चल के असुर बन सकता है, असुर गुण वाला आगे जाके देवता भी बन सकता है, लेकिन जन्म के साथ एडवांटेज जरूर रहता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जन्म के साथ ही रहता है। तो अभी अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि मेरा जन्म कौन से गण में हुआ है, देवगण में है कि राक्षस गण में, मैं किस गण में है। तो भगवान कहते हैं मां सुचा तुम चिंता मत करो, संपदम देवीम अभी जा तो असि पांडव, हे पांडव तुम पांडव के पुत्र हो, तुम्हारा देवी गणों में जन्म हुआ है, तुम चिंता मत करो।
भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवासुर एवच देवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरं पार्थ में श्रृणु। हे प्रतापोत्र, इस संसार में सृजित प्राणी को दो प्रकार है, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले विस्तार से तुम्हें देवी गुण के बारे में बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। दुनिया को पूरा अगर डिवाइड करना है तो दो क्वालिटीज के लोग मिलेंगे। कुछ लोग हैं देवी, दो भूत सर्व लोकेश, देव आसुर। कुछ लोग जो देवी गुण वाले हैं, कुछ लोग आसुरी गुण वाले, मतलब इनहेरेंट जन्म से आसुरी मेंटेलिटी वाले हैं, बाय बर्थ कुछ, बाय बर्थ कुछ देवी मेंटेलिटी वाले हैं। दो प्रकार के लोग हैं। उसमें देवी गुणों के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी। देवी गुणों के बारे में देवो विस्तरश प्रोक्ता, विस्तार से देवी गुणों का चर्चा हो चुका है। हम लोग बहुत जगह चर्चा हुआ, 12वें अध्याय में शुद्ध भक्त गुणों का वर्णन हुआ, इसके बाद 13वें अध्याय में 20 क्वालिटीज हुआ, 20 गुण वर्णन हुए, और 16वें अध्याय में 26 गुण वर्णन हुए। दूसरे अध्याय में भी बहुत सारे गुणों का वर्णन हुआ, और शायद 4वें अध्याय में भी बहुत देवी गुणों का वर्णन हुआ। तो देवी गुणों का वर्णन बहुत हो चुका है, अभी आसुरी गुणों का भगवान वर्णन मैं सुनो, मेरे से सुनो। तो देवी गुण, देवी कौन है? जो लोग हिंसा ज्यादा नहीं करना चाहते है ना, अहिंसा प्रिय होते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग देवी गुण वाले हैं। जो लोग खाली विनाश, उग्र कर्म, सबका विनाश करने में लगे हुए हैं, खाली विनाश करो विनाश करो, धर्म को विनाश करो, ब्राह्मणों को, गायों को, कल्चर को, ये सब उड़ाने में लगे हैं। उग्रवादी, सब उग्रवादी असुर है, बाय जन्म असुर। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुराशुरा न शोचं न विचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण, न सत्य पाया जाता है। असुर लोग क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक है, वो जानते नहीं, बुद्धि नहीं। प्रभुपाद कहते वो लेस इंटेलिजेंट है, उनको बुद्धि नहीं रहती, हमेशा कंफ्यूज, क्या अच्छा क्या बुरा जानते नहीं, और उनमें पवित्रता नहीं है, न सोच, पवित्रता का अभाव है, न आचार, आचार मतलब सदाचार, वो सदाचारों का पालन नहीं करते, पवित्रता के नियमों को पालन नहीं करते हैं, सदाचार को पालन नहीं करते हैं, और सत्य का पालन नहीं करते। तीन बहुत बड़ा सिम्टम, अगर आपको जानना है कि कौन आसुरिक है, उसमें तीन गुण है आसुर में। एक, वो पवित्रता के नियम पालन नहीं करता, दूसरा उसमें सदाचार नहीं है, तीसरा उसमें सत्यता नहीं है, झूठ, केवल झूठा झूठा उसका जीवन है। पवित्रता के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि स्नान करें, दंत मंजन करें, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर, नए नए वस्त्र पहन के शरीर को स्वच्छ रखें। लेकिन आजकल जो वेस्टर्न कल्चर चला है, स्पेशली विदेशों में, वहाँ पवित्रता पूरी चली जा रही है, लोग नहाते नहीं है। हमने सुना विदेश में लोग नहाते भी नहीं है, वो नींद से उठ के ही चले जाते हैं काम करने बिना नहाए, उनके लिए नहाना कोई बात नहीं है।
कपड़े नहीं बदलते, जींस पेंट होता है, जींस पेंट बहुत दिन पहन लेते हैं बिना धोए, तो कपड़े भी नहीं बदल रहे, एक ही कपड़ा बार बार पहन रहे, नहाते नहीं है, दंत मंजन ठीक से नहीं करते हैं, बाल नहीं बनाते, लंबे लंबे बाल रख देते हैं, तो इस तरह से इनकी पवित्रता नष्ट हो जा रही है, बाहर की अंतर की पवित्रता तो नष्ट है। ये पहला हो गया। और सदाचार, सदाचार बिल्कुल नहीं जानते हैं, विदेश में सदाचार क्या होता है पता नहीं, उनका जो कंपनी का कॉर्पोरेट का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके अंदर अलवा जो मॉरल सदाचार है उसको पता है नहीं, मॉरल सदाचार बोल के कुछ है नहीं उनके पास, उनका जो गवर्नमेंट का लॉ है वही उनका आचार है, उनका कॉर्पोरेट का लॉ वही उनका आचार है। मॉरल एक जैसे जन्म से कुछ संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को कि ये करना चाहिए, वो सब नहीं है, और सत्यता नहीं, सत्य नहीं, असुरिक समाज चल रहा है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहोरनिश्वरम अपरस्पर संभूतम के मनत काम है तुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं, कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है, तो जगत को असत्य बताना, असत्यम, जगत को असत्य बताते हैं, असल में झूठा है, मिथ्या है। हाँ, अप्रतिष्ठम, जगत का कोई आधार नहीं है, जगत का कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, अनेश्वरम, कोई ईश्वर नहीं है, ऊपर सबको देख रहा है नहीं है। ये मैं कुछ दिन पहले थोड़ा वो देख रहा था, ओशो, ओशो रजनीश का लेक्चर, थोड़ा अंदर देख रहा था क्या बोल रहा है, थोड़ा देखता हूँ, आप लोग मत देखिएगा, मैं जस्ट नॉलेज के लिए समझ में। तो इतना बोगस लो क्लास उसका फिलोसफी है, इतना लो क्लास मतलब बकवास है, लेकिन फिर भी लोग उनका बात सुन के पागल हो जाए और लाखों की संख्या में उनको फॉलो करें। उनका यही श्लोक है, ये जो श्लोक में लिखा है वही उनका थ्योरी है, असत्य, पूरा जगत मिथ्या है, कुछ नहीं है, सब बेकार, इतना बकवास है। एक उनके स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया, एक वेस्टर्न माता जी ने क्वेश्चन किया कि आपका लेक्चर मुझे अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, मैं आपकी फॉलोवर बन गई हूँ, लेकिन आप बोलते कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको सीधा उसको गाली दे दिया, फिर भी उसको टॉलरेट करती है, उसको भगवान मानते हैं, उसको सीधा डांट दिया, क्योंकि वो बोली कि आप बोलते हैं कि भगवान नहीं है, ये बात हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको डांट दिया। मैं भूल गया क्या बोला, लेकिन बोला हाँ मैं यही तो बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू कंफ्यूज, ना शी सेड दैट आई एम गेटिंग कंफ्यूज व्हेन यू आर सेइंग दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यस आई हैव कम टू कंफ्यूज यू, ये बोलते हैं, मैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए ही बोल रहा हूं कि भगवान नहीं है। तो ऐसा बकवास वाला आदमी है, उसको लाखों लोग, करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं, सोचिए ये कलयुग है, बोलते भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन खुद भगवान, भगवान का जगह खुद खुद ही ले रहता है, ले लेता है, अपने आप को ही भगवान जैसा सबको पूजा करवा रहा है कि मैं जो बोलूंगा वही मानो, एकदम माय गुड, मतलब कलयुग का वो अवतार है, कली कल कली का अवतार लगता है मुझे, तो कलयुग ने भेजा है, कलयुग के एजेंट है, जो ऐसे अभी अभी भी ओशो का जो ओशो की, ओशो तो मर गया बहुत साल पहले जेल के अंदर अमेरिका में, लेकिन
औसो के जो वंश परंपरा वाले, अभी भी नया नया औसो निकला हुआ है, दो तीन औसो अभी भी चल रहा है, वो भी बहुत फेमस है, उसके जैसे ही फेमस है। इतना बकवास वो लोग भी बोलते रहते हैं, लेकिन क्या बताएं, सब मीडिया उनके पीछे पागल है, उनको प्रमोशन हो रहा है। तो असत्यम, वो लोग बोलते कि जगत झूठा है, सत्य नहीं है, अप्रतिष्ठम, जगत का कोई आधार नहीं है। भगवान 15 अध्याय में बोले कि मैं पूरे सब ब्रह्मांड को धारण करता हूं, मैं पृथ्वी के अंदर सब प्लैनेट्स को मैं होल्ड किया, उन्हें तो गिर जाएंगे, मैं सूर्य के द्वारा रोशनी देता हूँ, खाना देता हूँ, मैं हजम करता हूँ खाना, कितना कुछ भगवान ने बोला अच्छे से डिटेल में। लेकिन ये लोग बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, नियंत्रण करने वाला नहीं है, जो मर्जी में आप करो। इनका फिलोसफी ऐसा ही है, ये जो बोगस गुरु है इनका कहना है कि आपका जो मन में आए वही करो, ऐसा करने से मोक्ष मिल जाएगा, मन को रोको मत। कितना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मन को रोको मत, मतलब ये तो वो स्वीट स्वीट पॉइजन, दिखने में बहुत मधुर लेकिन जहर है आत्मा के लिए। अपरस्पर संभूतम कि मन्नत काम है तुकम, उनका कहना है कि जगत केवल भोग करने के लिए बना है, भोग से ही बना है, भोग करते करते जगत की सृष्टि हो गई, और अभी हम लोग को भी भोग ही करना है, ये उनका कहना है। एताम दृष्टिम अवस्तव्य नष्ट आत्मानो अल्प बुद्धया प्रभवंती उग्र कर्माणो क्षयायो जगत। बस इनको फिलोसफी मिल गया कि भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कि जगत मिथ्या है, बस हो गया काम। एताम दृष्टिम अवस्तव्य, ये इनका फिलोसफी अभी क्या है, नष्ट आत्मानो, वो उसको मान लेते हैं, जब ये बोगस गुरु आके ऐसा प्रचार करते हैं कि उसको मान लिया कि हाँ सही है, हमारा गुरु बोल रहा है, हमारा धर्म नेता बोल रहा है, बस नष्ट आत्मा, उनका विश्वास कर लिया, अल्प बुद्धि है, मूर्ख है, उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और अपने आप को विनाश करने को तैयार हो गए। तब क्या कहते, प्रभवंती उग्र कर्मा, तभी उग्र कर्म में लग जाते हैं। ठीक है, अब जो बोले आप हम करेंगे, किसको मारना है, सबको मार डालेंगे। उग्र कर्म मतलब उग्र कर्म, उग्रवादी, उग्रवादी सब तो गीता में आ गया, देखिए उग्र कर्मा, उग्रवादी बन जाते हैं, सबको मार डालेंगे। क्षयायो जगतो अहिता, पूरे जगत का क्षय विनाश करने के लिए ये लोग रेडी हो जाते हैं। क्यों रेडी होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे फिलोसफी ढुका दे घुसा देते हैं। अहिता, अहिता मतलब नॉन बेनिफिशियल, जगत के लिए जो उपकारी अनुपकारी कार्य में लग जाते हैं ये लोग, ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग इनके बातों में आ जाते हैं फुसला में, और उनकी आंख दृष्टि नष्ट हो जाती है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसे भी उनको ऐसा चाहिए, ऐसे उनका जन्म असुरी में हुआ है, उनको ऐसा उपदेश चाहिए, ऐसा उपदेश मिल जाता है और उसमें लग जाते हैं। उग्र कर्म, प्रभुपाद जी ने उग्र कर्म में कैटेगरी में बहुत कुछ बताया है। रोपा जो उग्र कर्म में कहते हैं, एक तो फैक्ट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री एक उग्र कर्म, उसके बाद एटम बम बनाना उग्र कर्म, इसके बाद सैटेलाइट मून ट्रैवलिंग टू स्पेस ट्रैवल, सिर्फ उग्र कर्म, प्रभुपाद जी सिर्फ उग्र कर्म कैटेगरी में बताते हैं। काममास्पृत्य दुष्कोरम दम्भमानमदान्विता मोहान गृहत्वा शंकराहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कामम आश्रित दुष्पूरम, इनका दुष्पूर मतलब कभी पूरा नहीं होने वाला। कामम आश्रित दुष्पूरम, जो वासना होती है वो दुष्पूर है, वो दुष्पूर मतलब जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। हाँ, जैसे आग में जितना भी ईंधन डालिए आग तो बढ़ती जाती है, असुरों की इच्छा कभी खत्म नहीं थी, असुरों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और बड़ा होना, और बड़ा होना, और बड़ा होना, और बड़ा होना, दंभ और दाम्भिक हो जाते हैं,
मद बहुत घमंडी हो जाते हैं, बहुत दाम्भिक तो बहुत घमंडी, और मोहात ग्रहीत्वा असत ग्रहान, और मोहित इल्यूजन भ्रमित होकर के असत असत ग्रह के ऊपर प्रभुपाद ने अच्छा तात्पर्य दिया है, और असूचि व्रता इसके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। दोनों शब्दों के ऊपर प्रभुपाद ने कुछ कमेंट किया है, उसको पढ़ते हैं। देखिए असूचि व्रता प्रभुपाद कहते हैं, अपवित्र व्रत ऐसे आसुरी लोग मद्य स्त्रियां युद्ध क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं, ये उनकी असुचि अपवित्र आदत है। असुचि व्रत आदत प्रभुपाद कहते हैं, दारू पीना या अपवित्र, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये सब अपवित्र कार्य है, इसमें लगते हैं असुर लोग। और असद ग्राह का मतलब जो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, हाँ असतग्राह शब्द भागवतम में भी आता है, प्रहलाद महाराज ने यूज किया है। असत मतलब टेम्पररी, जिसका विनाश हो जाएगा, ग्राह मतलब आसक्ति, ऐसी चीजों के प्रति आसक्ति जो विनाश वाली है, विनाश होने वाली है। शरीर है, घर है, गाड़ी है, ये सब पैसा है, पावर है, जो भी चीजें नाशवान है, उसको आकर्षण करना, उसमें आसक्त हो जाना हो सकता है। ओके हाँ, ये किसका ग्रुप नंबर दो कौन है? आप हाथ उठाए, अरुण अरुण महोदय, अरुण महोदय आप ग्रुप नंबर दो का पॉइंट सुनाइए। हाँ जी, इसलिए मैंने हरे कृष्ण प्रभु जी दंड बताया। हाँ हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है वो इन चार प्रकार की चीजों के प्रति मग्न रहते हैं, जैसे मद्यपान, स्त्री गमन, दुष्कृत और मांसाहार, और इन सब आदतों से वो लिप्त रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है इंद्रिय तुष्टि, उनका सर्वोच्च, इंद्रिय तुष्टि को सर्वोच्च मानते हैं। और तीसरा, मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते और इसी तरह नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। चौथा पॉइंट, उन्हें वैदिक शास्त्र में विश्वास नहीं है और शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। पांचवा, भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने के लिए नए से नए आविष्कार कर सकते हैं। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। श्लोक नंबर 11 और 12 पढ़ते हैं। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशपाशुसतेर्बद्धा कामक्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं की जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन व्यय करते हैं। ओके ठीक है, चिंता अपरिमेय, असुर लोग चिंता में डूबे रहते हैं। असुर वैसे बहुत, असुर लोग बहुत, हम लोग को असुरों से डर लगता है, असुर लोग बहुत ये होते हैं वो होते हैं, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत सबको मार है, लेकिन चिंता में डूबे हुए हैं। उनका प्रॉब्लम है, चिंता में डूबे रहते हैं। कितनी चिंता है? अपरिमेय, अपार। असुर लोग अपार चिंता में डूबे रहते हैं। ये खुशी की खुशी खबर है, हम लोग के लिए खुश खबर है कि असुर लोग शांति में नहीं है, सुखी नहीं है, अपार चिंता में डूबे हुए। क्या चिंता है असुरों को? भाई ये शत्रु को मैंने मार दिया, ये शत्रु को मारना बाकी है, ये हमारा रोड़ा बन रहा है जीवन का, इसको हटाना पड़ेगा, ये सब चिंता बने रहती है। नींद नहीं आती है असुरों को, नींद नहीं आती है, सोने में नींद की गोलियां खाते हैं असुर लोग। और प्रलयांताम उपाश्रिता,
बोलो मृत्यु तक चिंताओं में डूबे रहते हैं, मृत्यु तक चिंता में डूबे रहते हैं, मरने तक इनको चिंता खत्म नहीं होती। कुछ लोगों की चिंता होती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर खत्म हो जाती है, इनकी चिंता मृत्यु तक खत्म नहीं। काम हो तो भोग परमा, परमा मतलब इनका जीवन का लक्ष्य है केवल भोग करना ही उनका जीवन का लक्ष्य है। वो सोचते हैं जीवन का लक्ष्य केवल भोग करना है और कुछ नहीं। और एतावत इति निश्चिता, उन्होंने निर्णय किया है, कंक्लूड किया है, सब शास्त्रों शास्त्र पढ़ के उन्होंने सार निकाला है, यही जीवन का लक्ष्य है। एतावत इति निश्चिता और आशा पास सतेर बद्धा, ये असुर लोग बंधे हुए हैं। सो सो सते मतलब सो, सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए हैं। कौन सी रस्सी? आशा, आशा पाश, आशाओं की डोरी, आशाओं की रस्सियों से बंधे हुए हैं। काम क्रोध परायण, काम और क्रोध में हमेशा डूबे रहते हैं। यंते काम भोगार्थम, जीते हैं केवल भोग करने के लिए, जीते हैं केवल भोग करने के लिए और कोई लक्ष्य नहीं। और उसलिए धन उपार्जन करते हैं, भोग करने के लिए पैसा कमाते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं? अन्याय ना, अन्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक नहीं, अन्यायपूर्वक, इलीगल, बेईमानी से, बेईमानी से कमाते पैसा कमाते हैं, ईमानदारी से नहीं कमाते हैं, कालाबाजारी से पैसा कमाते हैं। और पैसा कमा के भोग करेंगे फिर आशाओं में डूबे रहेंगे। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम, इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। अशो मयात शत्रो मनीषे चापरानपि, ईश्वरोऽहम् मां भोगे सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। आढ्योऽभिजनमानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षिदास्यामि आसुर व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाए। मैं सभी व्यक्तियों का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे अधिक धनी व्यक्ति हूँ और मेरे पास मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है और अन्य कोई मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते। ओके, अभी आपके ग्रुप के पॉइंट्स क्या क्या बताइए। पॉइंट वन, जैसे आसुरी व्यक्ति आजकल जो व्यक्ति है धन अर्जित मतलब धन कमाने की इच्छा और उसकी सीमा को नहीं जानता, वो उसको लगा रहता है कि और ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे कमाऊं और उसके लिए वो पाप पूर्ण कार्य भी करता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि और जो कुछ उसे मिलता है वो उसके लिए भगवान का थैंक्स नहीं करता, अपने पुण्य कर्मों का फल नहीं मानता, वो उसको सोचता है कि ये मेरी शक्ति की वजह से ही है, मेरी सामर्थ्य की वजह से ही है। तो और थर्ड पॉइंट है कि उसका वो जो उसके पास अगर वो रूप है या गुण है या उसको धन मिला है उसके लिए वो मतलब कंपटीशन में हो जाते है कि अगर उसके बराबर कोई पहुंच जाता है तो उसको कंपटीटर मानते हैं और ऐसे फिर वो मतलब सबको अपना दुश्मन बना लेते हैं। पहले परिवार से स्टार्ट होता है, परिवार से स्टार्ट होके समाज में और फिर पूरे राष्ट्र में ऐसे उसकी दुश्मनी मतलब सबसे फैलता जाते है। और फिर आसुरी व्यक्ति जो ये है आजकल मनुष्य ये सोचता है कि जो कुछ है वो अपने आप को भगवान मानने लगता है क्योंकि वो सब कुछ अपने आप को ये सोचते है कि मेरी सामर्थ्य से ही है सब कुछ। तो वह ऐसा व्यक्ति अपने आप को परम ईश्वर मानते हैं और सबको और लोगों को भी यही वो कहते हैं। जैसे आजकल के जो ढोंगी बाबा है तो वो अपने आप को भगवान और लोगों को भी यही देते हैं कि तुम और जगह भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो, मैं ही भगवान हूँ और ईश्वर मृत है, ईश्वर पर विश्वास मत करो, वो ऐसे उपदेश देते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट है
कि वो जो यज्ञ विधि दी हुई है वेदों में उसको नहीं मानता, वो अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करते हैं और उसको करते हुए, और आधुनिक युग में ऐसे लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोगों में जाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि रावण करता था इस एग्जाम्पल। और इसमें आगे पॉइंट है कि जैसे आजकल ये सारे धर्म सुधागर, आजकल लोग धर्म सुधागर या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, अपने आप को ईश्वर का अवतार बनाने लग जाते हैं और उसको और सन्यासी का वेश धारण करके और समाज में अधर्म को फैलाते हैं। और ये सब अविधि पूर्वक है, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों का कोई प्रवाह नहीं करते, ये सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होते हैं। हम लोग श्लोक में ध्यान देते हैं। श्लोक है, इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथम्, इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आज मेरे पास इतना धन है, वो ऐसा सोचता है, वो सोता रहता है, सोते सोते विचार करता है, जब वो सोने जाता है तो विचार करता है, विचार करता है कि मेरे पास इतना धन आ गया है, ऐसा सपना देखना है और इतना धन है और प्राप्त करना है मुझे। वो उसके दिमाग में चलता रहता है, घूमता रहता है। कभी कभी आप देखेंगे, मैंने तो देखा कई बार, लोग रास्ते में अकेले जाते थे, कुछ बोलते रहते हैं और हाथ में ऐसे ऐसे गिनते रहते हैं। मैं समझ जाता हूँ क्या बोल रहे हैं, उनका यही विचार है कि अभी कितना पैसा कहाँ पर है, टोटल कितना। और इधर मस्ती भविष्य पुराधन, तो मैंने मेरी ये सब एक नंबर इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, इतनी सारी इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है और इतनी इच्छाएं मुझे और पूरी करनी है, ये सोचता रहता है। और इतना मेरा धन हो चुका है, इतनी इच्छा पूरी करेंगे, इतना धन चाहिए मुझे, तो उतना धन मेरा इकट्ठा हो गया और इतनी और इच्छा पूरी करेंगे, इतना धन और चाहिए, ये वो सोचता रहता है। और फिर इस धन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल है, बीच में कौन से रोड़े हैं, ऑब्स्टिकल है। अच्छा, ये मेरा बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, भाई भाई प्रॉब्लम कर रहा है, और मेरा पार्टनर प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा कोई रिलेटिव प्रॉब्लम कर रहा है, इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो असो मया हत शत्रु, इस धन को प्राप्त करने के लिए मेरे जो कॉम्पिटिटर है, जो मेरे बीच में आ रहे हैं, उनको हटाना है। तो इतने तो हट गए और इतने को और हटाना है, ये सोचने लग जाता है। फिर इसके बाद ईश्वरो अहम, मैं नियंत्रण, मैं कंट्रोल, मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, मैं बहुत लोगों को कंट्रोल करूंगा, बहुत लोगों को नियंत्रण करूंगा, मैं बहुत भोग करूंगा, मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध मतलब मैं परफेक्ट, मेरा कोई गलती नहीं हो सकता है, मैं बलवान हूँ, मेरे पास बहुत फॉलोवर है, पैसा है, कुछ कोई मुझे हिला नहीं सकता है, और मैं बहुत सुखी हूँ। और आढ्यो अभिजन मानसवी, ऐसा करने से मैं सबका कंट्रोलर बन जाऊंगा, मैं सबको भोग करूंगा, मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, और बहुत फैमिली लोग वाले मेरे चारों तरफ घूमते रहेंगे, मेरे समाज वाले मुझे एकदम मेन मानेंगे समाज का, और मेरे समान और कोई नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा बड़ा यज्ञ करूंगा, यज्ञ में सबको खिलाऊंगा, बहुत दान दूंगा, उससे मेरा सम्मान और बढ़ जाएगा, समाज में सब लोग मुझे पूजा करने लग जाएंगे। ये सब असुर विचार है। तो आप ये मत सोचिए दान देने वाले सब देवता होते हैं, असुर लोग भी दान करते रहते हैं, यज्ञ और दान दोनों, कर्ण दानवीर था, बहुत बड़े बड़े असुर सबसे बड़े दानवीर थे, बलि महाराज दान देते। तो दान देते क्या करने के लिए, सम्मान पूजा पाने के लिए। असुर लोग जब बहुत पैसा आ गया तो यही करना है, सम्मान चाहिए, और पैसा खरीद, पैसा फेंक के सम्मान खरीदना है उनको। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रशक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर और मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ये सब उनकी विचारधाराएं होती है, जो पिछले श्लोक में तीन श्लोकों में जो दिया गया है वो है उनके विचार, वो थिंकिंग, वो क्या सोचते रहते हैं, वो लिखा था। और ऐसा सोचते सोचते उनका चित्त विभ्रांत हो जाता है और मोह जाल में फंस जाते हैं, पूरे जाल में फंस जाते हैं, खुद खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। जैसे
मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, ऐसे असुर लोग अपनी चिंता के जाल में, देखिए ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि उनके लोग उनको मार डालते हैं, उनके दूसरे असुर उनको मार डालते हैं, पूरा घिर जाते हैं चारों तरफ से, गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे, दूसरे असुरों के सबके शत्रु बन जाते हैं, अल्टीमेटली मरते हैं, सबके द्वारा मारे जाते हैं और नरक में जाते हैं, पतंति नरक के असुचो असुचे नरक में गिरेंगे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। और आपके ग्रुप के पॉइंट्स भी बोल दीजिए। हाँ जी प्रभु जी, हमारे सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शास्त्र और भगवान से बहुत ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। सेकेंड है कि वो अपने को एक तो स्वतंत्र और शक्तिमान मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये तीन चीज शक्ति बल और संपत्ति में हमारा कोई किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो सोचते हैं वी आर द एंजॉयर और हम ही सुप्रीम है। थर्ड पॉइंट पर मुझे वो हमेशा जन्म जन्मांतर तक उनको असुरी योनियों में ही प्रवृत्त रहना पड़ता है, जन्म जन्मांतर तक उन्हें असुर योनि के गर्भ में ही रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें अंत में कुत्ते बिल्ली और सूकर जैसा शरीर मिलता है। और कई बार उनको फोर्थ पॉइंट है कि ईश्वर दयालु होते हैं लेकिन ऐसे असुरों पर वो कभी दया नहीं करते, और जो अगर ऐसे भाग्यशाली असुर होते हैं जैसे रावण कंस हो गया हिरण्यकश्यप हो गया तो उनका वध भगवान करते हैं, ईश्वर उनका वध करते हैं। वैसे असुरों पर भगवान की कृपा नहीं होती लेकिन कई ऐसे भाग्यशाली असुर भी होते हैं जिन पर भगवान कृपा कर देते हैं तो उनका ईश्वर भगवान ही वध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभु जी पांचवा कि जो ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग हमेशा काम में डूबे रहते हैं और इतने अपनी मन अपने काम को इतना तुष्ट करना चाहते हैं कि जब उसकी पूर्ति नहीं होती वो क्रोध और लोभ में आ जाते हैं, तो इससे उनका क्रोध और लोभ बहुत उत्पन्न हो जाता है। Okay. ये 5 points थे। ओके सो अभी हम लोग इस श्लोक को चर्चा कर लेते हैं। 17 आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता वो अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, जैसे अभी बताया गया अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं संपत्ति में पावन में सब कुछ, और स्तब्ध घमंडी होते हैं। किस चीज की घमंडी? धन मान मदर मतलब वेल्थ, धन मान मतलब उनका जो प्रेस्टीज है, एकदम अपने आप को बहुत प्रेस्टीजियस मानते हैं, धन मान, और मद गर्वित होते हैं, और ऐसे इस प्रकार के अभिमान में घमंड में आके वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ नाम मात्र के लिए करते हैं, नाम के वास्ते यज्ञ करते हैं कि मेरा नाम हो, लेकिन उनको कोई श्रद्धा नहीं है। पंडित को डांटते रहते हैं, पंडित को गाली गलौज करते रहते हैं, मैं देखा हूँ अपने आंखों से, हे पंडित इधर आ, ऐसे बोलते हैं। मतलब उनको गुरु स्थान पे बिठाया जाता है, पुरोहित उसको ऑर्डर देते हैं नौकर की जैसे, जैसे कुछ उसे काम करवा रहे हैं पंडित से, तो इस तरह से वो नाम के वास्ते यज्ञ करते हैं, लोग दिखावा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, समाज की प्रतिष्ठा पाने के लिए घमंड से करते हैं, और अविधि पूर्वक यज्ञ की विधियों को नहीं मानना चाहते हैं। पंडित को बोल देंगे ये विधि चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये ठीक नहीं, ऐसा करो ऐसा, अपने मन से करना चाहते है। ये सब कलयुग में होने वाला है, कलयुग के सब युगों में असुर लोग हमेशा रहते हैं, सभी चारों युगों में रहते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रतिशन्तोऽप्यशूयकाः। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। कुछ गुणों को रिपीटेशन हो रहा है,
इसमें आप देख रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्रोध काम बार बार आ रहा है इस पद शब्द को, दर्प अहंकार, इसका वो आश्रय लेते हैं, अहंकार का आश्रय लेते हैं, अपने ही अहंकार का आश्रय लेते हैं और अपने बल का आश्रय लेते हैं, मैं बलवान, अपने घमंड का क्रोध का आश्रय ले लेते हैं, अपना जो क्रोध है उसका सेंटर लेते हैं, काम का सेंटर लेते हैं और इस तरह से अपने आप को भी वो नष्ट करते, दूसरों को भी नष्ट करते, अपने भी शत्रु बनते, दूसरों को भी शत्रु बन जाते। जैसे कोई बहुत कठोर तपस्या करता है अपने खुद का विनाश के, जैसे रावण अपना सर काट काट के आग में डाल रहा था, देखिए ये है वो तपस्या, असुरों की तपस्या, सर काट के आग में डालना असुरों की तपस्या, ऐसा कोई शास्त्र में लिखा नहीं कि ऐसा करना है, खुद से मन से करना है। कानाम द्वेषतः क्रोरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान कहते ऐसे क्रूरों को, असुरों को, नराधमों को मैं क्षिपा में, क्षिपा मतलब निक्षेप करता हूँ, मैं क्षेपण करता हूँ, उसको फेंकता हूँ, कहाँ फेंकता हूँ, अशुभ योनियों में, आसुरी योनियों में। तो पहले तो भगवान कहते हैं असुरों को कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, द्वेषता, द्वेषता मतलब द्वेष करने वाले, सबका द्वेष करते हैं, क्रूर, सबके प्रति जो क्रूर है सबको हत्या कर रहे हैं, और नराधम, तीन गुण बताए, नराधम, क्रूर और द्वेष करने वाले। भगवान भगवान क्या उसका पनिशमेंट दे रहे हैं, क्षेपा में फेंकते हैं, भगवान निक्षेप करते हैं, कहाँ फेंकते हैं, अशुभ योनि। अशुभ योनि क्या है, जैसे सर्प है, बिच्छू है, हाँ ऐसे कोई जानवर है जो अशुभ योनियां मानी जाती है, कीड़े मकोड़े और भी एकदम भयंकर योनियां, और आसुरी योनि, असुरों की योनि में बार बार उनको भगवान निक्षेप करते हैं। आसुरिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये आसुरिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्मनि जन्मनि मतलब वो पहले जन्म में असुर योनि में जाएंगे, वहां पर पाप करेंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे 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 जाते हैं, डिग्रेड 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 होते जाते हैं, ये लिखा है जन्मनि जन्मनि का अर्थ यह है। और आसुरी मूढ़ योनि में जाते हैं, बार बार निम्न योनि, निम्न गहन अंधकार में चले जाते हैं, और मां अप्राप्त, भगवान को प्राप्त करने की दूर दूर कोई संभावना नहीं रह जाती है, इनके दिमाग में भगवान को प्राप्त करना है ये विचार ही नहीं रहेगा उनके दिमाग में, वो आता ही नहीं, दूर दूर तक उनके कहीं भगवान को प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, अधम से अधम गति में वो चले जाएंगे। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्य तस्मादे तत्रयम् त्यजेत्। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ओके, तो ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, सब लोग जानते हैं, हम लोग इसे छह चीज को बताते हैं, लेकिन ये तीन मुख्य हैं, काम क्रोध और लोभ। काम मतलब भोग करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा मतलब स्त्री शरीर को भोग करने की इच्छा, पुरुष शरीर को भोग करने की इच्छा या कामना वासना। ये काम जो है वो पहला नरक का द्वार है, क्रोध करना ये भी नरक का द्वार है, लोभ ग्रीडी ये क्या बढ़ते जाता है, तीनों क्रोध दिन दिन बढ़ते जाएगा, लोभ बढ़ते जाएगा, काम बढ़ते जाएगा,
अगर बढ़ते जाते हैं तो नरक में ले जाएंगे। आज अगर हमारे पास 10% काम है, कल 20% काम होगा, 50 होगा, 100 होगा, तो नरक गारंटी हो गया। क्रोध बढ़ते जाएगा फिर नरक मिले जाएगा, लोभ बढ़ते जाएगा नरक मिल जाएगा। इसलिए तीनों को हमें चेक करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जितना है उससे बढ़े नहीं पहले तो, फिर धीरे धीरे कैसे कम किया जाए। जितना मात्रा में क्रोध है वहां पर चेक करें, उससे आगे नहीं बढ़े, उससे धीरे धीरे कम करेंगे। जितना मात्रा में कामना है उसको आगे नहीं बढ़े, उसको कम करेंगे। लोभ जितनी मात्रा में है उससे धीरे धीरे कम करेंगे। तो कम कैसे होगा? हरिनाम जप करने से। ज्यादा हरिनाम जप करेंगे धीरे धीरे कम होगा, तो नहीं तो फिर बढ़ते जाएगा तो नरक में जाना पड़ेगा। एतेर विमुक्त कौंतेय तमो द्वारे त्रिवेन्नरे आचरत्यात्मनः श्रेया अतो यान्ति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त हो जाता है, तमो द्वार स्त्री नरक, तीन नरक के द्वारा, तम के द्वारा अंधकार के द्वारा, तीनों द्वार से जो कामना से पूरा मुक्त हो गया, क्रोध से मुक्त हो गया, लोभ से मुक्त हो गया, और आचरती आत्मन श्रेय और आत्मा का कल्याण के मार्ग में जो आगे बढ़ जाएगा उसको परम गति प्राप्त होगी। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। जो शास्त्रों की विधि को उत्सृज, उत्सृज मतलब त्याग कर देता है, जो शास्त्र की विधि को नहीं मानता है, उसको उड़ा देता है, और काम कारक विमसिकल अपने मन की इच्छा से जो चलता है, शास्त्रों की विधि को नहीं मान के मनमानी आचरण करता है, उसको कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, कभी सुख नहीं मिलता है, न परम गति प्राप्त नहीं होती है। अगर जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, ऊंची गति प्राप्त करनी है, शास्त्रों की विधियों को मानना, शास्त्रों की विधियों को मान के अगर जीवन में चलते रहेंगे तो हमारे कर्म, हमको हमारे सब कार्य में सफलता मिलती जाएगी, सुख भी मिलता जाएगा। और अल्टीमेटली सफलता और सुख तो भौतिक चीजें दोनों, लेकिन ये भौतिक चीजों के साथ साथ परम गति भी धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। जो लोग शास्त्र की विधियों को नहीं मानेंगे, अपने मन माने आचरण करेंगे, वो लोग जैसे पिछले श्लोक में बताया था, वो अपना अपना वो विनाश करेंगे, अपना विनाश करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, मतलब जो कार्य करे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चिंता में डूबे रहेंगे, और परम गति तो कोई सवाल नहीं है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं विहारसे। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान, देखिए भगवान स्वयं एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य भगवान परमेश्वर है, वो भी शास्त्र को बहुत सम्मान करते हैं, भगवान खुद भी शास्त्रों को बहुत मानते हैं, वो भी अपने जीवन में शास्त्रों को हमेशा फॉलो करके चलते हैं, शास्त्रों का हमेशा प्रमाण देके बातें करते हैं भगवान। भगवान बोले कि आपको हमने शास्त्रों की रचना की है, वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, महाभारत इतिहास रामायण की रचना की है, ये सब भगवान ने हम लोग के लिए किया, आप लोग के लिए मैंने किया है सर। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तुम्हारे लिए क्या करनी है क्या नहीं करना है उसका प्रमाण शास्त्र में दिया हुआ है, एविडेंस शास्त्र में, रेफरेंस शास्त्र में,
क्या उचित है क्या अनुचित, शास्त्रों को स्टडी करो ठीक से समझो, और ज्ञातवा शास्त्र विधान, शास्त्र विधान को जान के, शास्त्र विधान क्या है प्रत्येक कार्य में जान के कर्म करना चाहिए तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। शास्त्र में चार डिफेक्ट नहीं होते हैं जो मनुष्य में होते हैं, भूल करना, इंद्रियों की अपूर्णता, दूसरों को धोखा देना और प्रमादग्रस्त होना, ये चार त्रुटियां मनुष्य में होती है जो शास्त्र में नहीं है। शास्त्र एब्सोल्यूट होते हैं, शास्त्र में कभी कुछ गलत नहीं है, जो भी लिखा परम सत्य है, और उसमें अलग अलग घटनाएं इतिहास में बहुत सारी घटनाएं दी गई है, बहुत केस है, जैसे केस स्टडी, हजारों हजारों केस स्टडी है कि कौन सी परिस्थिति में किसने क्या किया था, अर्जुन ने क्या किया, भीष्मपितामह ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या किया, पृथ्वी महाराज ने क्या किया, ध्रुव महाराज, सब हजारों हजारों केस स्टडीज है जो हमारे लाइफ के साथ मैच करके हम लोग अपना जीवन में डिसाइड कर सकते हैं क्या उचित है क्या उचित है। तो अब हम लोग इतना शास्त्र पढ़ नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट हम लोग प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे, अभी के लिए हमको जो जानने की जरूरत है वो सब जानने मिल जाएगा। प्रभुपाद की पूरी गीता अगर हम थरोली, कई डिवोटी 10-10 बार पढ़ दें गीता, पहले तो स्कूल में ऐसा रोल था हमारे जयप्रता का महाराज, हमारे गुरु महाराज बोलते कि उनको किसी ने बोला था, शायद प्रभुपाद जी ने किसी ने बोला था कि दीक्षा के पहले 10 बार गीता पढ़ना होगा, उन्होंने गीता दीक्षा लेने के पहले 10 बार गीता पढ़ा। सोचिए हम लोग दीक्षा लेने के बाद भी 10 नहीं, कभी 10 बार नहीं हुआ, पूरा जीवन बीत जा रहा है लेकिन 10 बार गीता नहीं हुआ, उनका दीक्षा के पहले गीता 10 बार पढ़ के खत्म कर दिया। प्रभुपाद की गीता को बहुत बार पढ़ लेना चाहिए, भागवतम को बहुत बार पढ़ लेना चाहिए, चैतन्य चरित पढ़ लेंगे तो हम लोग को, प्रभुपाद जी ने हम लोग को आज के जमाने में जो जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे मिल जाएगा ज्ञान आराम से। और उस किसी को और समय है तो फिर दूसरा भी शास्त्रों का स्टडी कर सकते हैं, महाभारत का और रामायण का, उससे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे दिमाग में, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ये शास्त्रों को जानना चाहिए और उसके बाद जो वर्तमान में हमारे सामने जो भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है उनको पूछ के हमें कार्य करने से लोग फंसेंगे नहीं, समाज में निकल पाएंगे। ठीक है, अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैं आप लोग को दो होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क नहीं है, ये आपका फाइनल असाइनमेंट ही समझिए इसको, परीक्षा का असाइनमेंट है, इसको उनको मार्क लग जाएगा। तो दो असाइनमेंट दे रहा हूँ, लिख लीजिए, लिखना है तो एक असाइनमेंट है आप लोग को, जो 15वां अध्याय का जो वृक्ष था बनियान ट्री अश्वत्थ वृक्ष, उसका ड्राइंग करना है। सब लोग अपने हिसाब से ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग करके उसके ऊपर आपको अध्याय में से ढूंढ ढूंढ के सब चीजें लिखनी है, पत्ता क्या है, मूल क्या है, सब लिखना है, ड्राइंग करके फिर उसका फोटो खींच के भेजना है। इसके ऊपर अपना थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी नीचे, थोड़ा ऊपर में ड्राइंग करेंगे उसमें सब पॉइंट लिखेंगे, नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, उसी सेम पेज में जिस पेज में ड्राइंग हो उसी पेज में, आप बड़ा पेज भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा पेज भी ले सकते हैं ड्राइंग के लिए, फुल स्केप को आप खोल के डबल करके कर सकते हैं, आर्ट पेपर ले उसमें भी कर सकते हैं, आर्ट पेपर में भी ड्राइंग कर सकते हैं, आर्ट पेपर बच्चों का आप लोग का स्कूल में सबको पता होगा क्या होता है, आर्ट पेपर उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, अलग अलग मार्कर जैसे भी यूज करना है तो कर सकते हैं कलरफुल, और उसका फोटो खींच के भेज देंगे तो उसका 20 मार्क रहेगा। पहले हो गया, और एक आपको लगे सिर्फ एग्जाम का ये क्वेश्चन, क्योंकि हम सोचो फाइनल सब एक साथ जंपिंग करने का, अच्छा अभी बीच में भी देते रहेंगे तो सुविधा हो जाएगा, काम हल्का हो जाएगा, लास्ट में फिर एक साथ प्रेशर नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन है, ये जो 16th चैप्टर है अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं इसके ऊपर, ये जो असुरों के गुण है इसका पूरा लिस्ट बनाना है। जैसे अब ग्रुप में सब लोग ने बोले ऐसे ही आपको लिस्ट बनाना, कम से कम 20 लिस्ट बनाएंगे, ये पहला हो गया 20 लिस्ट बनाएंगे, वो एक एक का आपको
बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, 2 लाइन, 2 से 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 क्वालिटी वो करके उसके बाद इसमें से आगे कुछ और, ये तो आप बुक में मिल जाएगा, अभी जो बोल रहा हूँ तो आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा, उसमें कुछ दिमाग भी लगाना चाहिए, खाली लिख लेंगे तो क्या होगा। इसलिए इसमें से 5 ऐसा चीज आप निकालेंगे जो आप प्रैक्टिकली आप अपने सामने वो चीज को देख रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऐसा, ये 5 गुण है जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने, वो चीज आप अपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि ये चीजें गीता में लिखी है और ये गलत है। तो 5 चीजों को आप प्रैक्टिकली समाज में देख रहे हैं और वो गलत है, आप किसी को बोल सकते हो, 5 चीजों को आप उसमें अलग से नीचे उसका एग्जाम्पल देंगे कि कैसे आप ये चीजें देख रहे हैं समाज में। 5 पॉइंट है जिसको आप एग्जाम्पल के साथ दिखाना होगा, ये आप समाज में देख रहे हैं चीज को, ठीक है। ये असुर गुणों के लिए, इसमें मैं कुछ और भी कुछ ऐड कर दूंगा, आप इतना करिए, जो असुर का गुण जो मैंने बताया, इसमें पहले 20 क्वालिटी का लिस्ट बनाइए और 5 चीज का लाइफ एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद और कुछ करना होगा तो मैं बताऊंगा।